Hi guys, welcome back to Rinki's Angelic, and we are doing weekly videos for the week start from 11th to 17th of June. I really hope you guys are enjoying these weekly, monthly guidance. A lot of content is also coming up on Instagram, so if you aren't following on Instagram, come follow on Instagram. There are too many quick rituals, quick tarot reading, quick a lot of techniques and methods and rituals that I share only on Instagram. So yeah, come follow there. If you haven't subscribed on the YouTube channel also, please subscribe. Now let's begin with Aries. Aries, I'm pulling out two tarot cards and one angel message. Dekhte hain ye hafte tarot, angels, universe aapko kya bata rahe hain. एरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आई हुई है ये हफ्ते, वो ये है किसी की गाइडेंस, किसी की मदद, किसी की हेल्प से आपका कोई काम बन जाएगा. बहुत टाइम से जो आप सिर्फ अपने आप से करने की कोशिश कर रहे हो, इस वक्त आपकी एनर्जीज ना बहुत ड्रेन्ड हो गई है. आप बहुत एक तरीके का हार मान गए हो. बट यू नो वट, ये कार्ड बहुत ब्राइट है, बहुत वाइब्रेंट है. ये हमें यही बताते हैं कि प्लीज किसी की हेल्प लीजिए, किसी की गाइडेंस लीजिए. ये हफ्ते स्पेशली हेजिटेट मत कीजिए. कहीं ना कहीं किसी के थ्रू ही आपको एक रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा. ना बनते हुए काम भी आपके बन जाएंगे. सो मेक श्योर कीजिए कि आप उस एनर्जी के लिए ओपन रहे. भगवान को बोलें कि मैं गाइडेंस लेने के लिए, मदद लेने के लिए तैयार हूँ. जितनी आप अपनी एनर्जीज भी ओपन करेंगे, यू नो दैट ऑलवेज गिव्स यू अ ग्रेट इम्पैक्ट. मैं बताऊंगी लव के मामले में भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है. प्लीज स्पीक टू योर पार्टनर. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसे लग रहा है जितना आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करेंगे, उतनी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है एक तरीके से सुलझेंगी. अगर लव में कोई प्रॉब्लम होना, किसी तीसरे बंदे को बिठाकर ये हफ्ते बात कीजिए. ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ओपन अप होने का, पॉजिटिव होने का, एक आगे रास्ता दिखने का चांस है. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये चांस को गवा दें. इनफैक्ट मैं चाहती हूँ आप इसका बेस्ट इस्तेमाल करें. पॉसिबली जितना एनर्जी आप रिसीव कर सकें, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप रिसीव कीजिए. यू आर रियली गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हेल्प दिस पर्टिकुलर वीक. उसके बाद जैसे हम हेल्प लेते हैं और ये करते हैं, मैं ये बताऊंगी एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए, थोड़े से अपने आप को भी एक्नॉलेज कीजिए. प्लीज इनवाइट सेल्फ लव आल्सो इनटू द पिक्चर. सो इट हैज टू बी लाइक अ कंप्लीट पैकेज. ये हफ्ता मैं चाहती हूँ आप दूसरों से भी हेल्प ले, अपने आप को भी एक्नॉलेज कीजिए. एक मिक्स्ड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए, देखिए कैसे चीजों में सुधार आता है. सो एरीज, आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू द लाइट दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. टॉरस में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज हमेशा की तरह पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं. वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पॉजिटिव. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी टॉरस, मैं चाहती हूँ कि ये हफ्ते आप जितना हो सके उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड काउंट कीजिए. हर दिन ये हफ्ते पर्टिकुलरली अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 7 दिन मुझे हर रोज रात को सोने से कम 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं. ये 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखे बिना आप नहीं सोइएगा. आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, मैं ये क्यों आपको एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एक एडवाइस दे रही हूँ आपको इस वक्त. टॉरस, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत अच्छी है, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस इनवाइट कर सकते हो लाइफ में. एंड द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट अबंडेंस इज ग्रैटिट्यूड. तो मैं चाहती हूँ आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, उतनी ज्यादा आपको भी अंदर में खुशी आएगी, पता है, उतना ही आपको अंदर में कंटेंटमेंट आएगा, और वो चीज आपकी बरकत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टॉरस, अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो आने वाले टाइम में, इस साल में, मैं बताऊंगी उसकी प्लानिंग आप ये हफ्ते स्टार्ट कर दो. ट्राई एंड डिग इनटू प्लेसेस वेयर यूड लाइक टू गो, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बजट है, सारी प्लानिंग बहुत बहुत अच्छे से, बहुत बहुत खूबी से करनी है. क्योंकि आपकी वो एनर्जी डेफिनेटली वर्थिट होगी, आपका वो जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा. मैं ये भी बता रही हूँ कि आप अपने कम्फर्ट जोन में है, सारी चीजें एक कम्प्लीशन
कंप्लीशन के यू नो टाइम पे आ रहा है, यानी कि जो भी अधूरी चीजें थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक उसका क्लोजर, कहीं ना कहीं एक उसका कंप्लीशन आपको जरूर मिलेगा। सो ये हफ्ते ना आपकी एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइब्रेंट है, प्लीज उसका बहुत मतलब कैसे कहते हैं, एक कॉन्शियसली अवेयर होके कोई भी काम करे। जैसे आप जितना ज्यादा कॉन्शियसली अवेयर होके काम करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जीज आपके फेवर में रहेंगी। जैसे जो एंजल्स भी आपको लास्ट कार्ड बता रही हैं, वो है स्टैंड योर ग्राउंड। आई मीन टॉरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना जो बात सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, अपने बात पे खड़े रहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में ये हफ्ते तो पर्टिकुलरली बिल्कुल भी नहीं आना है। आप अपनी बात पर खड़े रहें, चाहे लोग माने ना माने, आपका जो काम है वो जरूर जरूर पूरा होगा। सो या टॉरस, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू जेमिनाय। जेमिनाय में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज, हमेशा की तरह पुल आउट करी हूं। देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। जेमिनाय, ये जो कार्ड आया हुआ है, ये अभी भी बता रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यू नो, इतना ज्यादा आपने एक नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके बैठे हुए हो, इतना ज्यादा एक ओवर थिंकिंग हो गई है। अब ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में लैंड अप कर रही है। तो जेमिनाय में ये बताऊंगी, सबसे पहले आपको ये हफ्ते क्या करना है। ये हफ्ते आपको बैठना है और अपनी अपनी लाइफ पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। वो क्या होता है मैं वो भी बताऊंगी। लिटरली बैठिए, लेटर लिखिए, जो भी सिचुएशन आपको पास्ट की बॉदर कर रही है, जो भी बचपन से लेके अब तक आपने जो भी फेज देखा है लाइफ में, जहां पर आपको कैसे कहते हैं एक एक है ना बैगेज लेके घूम रहे हो, वो सिचुएशन को फॉरगिव कीजिए। लिटरली राइट दिस, आई फॉरगिव दिस सिचुएशन, आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव माई सेल्फ। यू नो, जितना हो सके उतना ज्यादा ये हफ्ते आप फॉरगिवनेस पे काम कीजिए। क्यों पता है जेमिनाय? क्योंकि आपका टाइम है आगे बढ़ने का, आपका टाइम है ग्रो करने का, पर अभी भी आप पीछे अटके हुए हो। कॉन्स्टेंट लुकिंग बैक, कॉन्स्टेंट लुकिंग बैक, ये आपको बहुत ज्यादा बैकफायर कर रहा है। सो जेमिनाय, मेक श्योर कि आप ये एनर्जीज को लीव करके, एक एंजल्स का मैसेज है न्यू लोकेशन, अपने माइंड को एक न्यू लोकेशन पे ले जाएं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे ले जाएं, कहीं ना कहीं नई तरीके से शुरुआत करें और ऊपर वाले को एक तरीके से कोसना बंद करें। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। स्टॉप सेइंग दीज नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव वर्ड्स, इट इज रियली रियली बैकफायरिंग यू इन अ वेरी बिग वे। सो जेमिनाय, रियली होप यू टेक ऑल ऑफ दिस इनटू वेरी सीरियस कंसिडरेशन एंड सी हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू इन अ गुड वे। सो या, दैट इज अबाउट इट। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू कैंसर। कैंसर में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूं। कैंसर, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर, सबसे पहली चीज, आप इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो, पीरियड। आई मीन इट्स जस्ट सेइंग कि आप 100 चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें ना आप बहुत ज्यादा गुम हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जा रहे हो। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। कैंसर, कीप दिस वेरी ओपन, यू नो यू गॉट टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। स्टेप बाय स्टेप जाएं, आप 4 कदम आगे जंप मारने की कोशिश करें कैंसर, वो आपसे नहीं हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। इस वक्त आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो स्लो बेबी स्टेप्स लीजिए, जितना हो सकता है उतना बेबी स्टेप लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड आया हुआ है कैंसर, वो आपके लिए ये है, भगवान पे भरोसा रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। जितना ज्यादा आप ट्रस्ट ऊपर वाले को दिखाओगे, उतना ज्यादा आपका ये हफ्ते काम बनेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को टाइम दें, हो सके तो मेडिटेट करें, हो सके तो चैंट करें। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जीज में एक ठहराव लाएगी, एक कैसे कहते हैं स्टेबिलिटी लाएगी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेवर कर रही है, बहुत ज्यादा रश कर रही है, और ये आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है। इसीलिए हमें आपकी एनर्जीज में थोड़ा सबसे पहले स्टेबिलिटी, एक ठहराव, एक कामनेस चाहिए। यू नो, जैसे ये एनर्जीज आप इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में, ये कैसे इनवाइट करोगे? बाय ऊपर वाले को ट्रस्ट कर, भगवान में, यूनिवर्स में भरोसा रखकर आगे बढ़े और अपनी चीजें धीरे 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 करके करें। ये बहुत ही क्रूशियल वीक है आपके लिए, तो रश ना करें, हाइपर ना हो, अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद एंजल मैसेज है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो आपको बोलना है एक
सलीके से बोलिए, लिटरली मैं ये बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये हफ्ते आपकी टोनैलिटी थोड़ी सी हार्श, थोड़ी सी रूड लग रही है, किसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है. सो कैंसर, जस्ट मेक श्योर एनीथिंग यू आर सेइंग, से इट विद क्रिएटिविटी, से इट जितना हो सके एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें. इस हफ्ते अपने मुंह से जो भी शब्द आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू कैंसर. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ. Leo, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं. लियो जो सबसे पहला कार्ड है वो यही बता रहा है कि इस हफ्ते आपको हार्डवर्क करना है, आपको बहुत ही शिद्दत से मेहनत करनी है. जो आपकी डेडिकेशन है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त. मुझे ऐसे लग रहा है जो आप फोकस से, डेडिकेशन से कोई चीज करना चाहते हो और जो आप कर रहे हो उसका जरूर जरूर आपको एक नतीजा, एक आउटकम मिलेगा. सो इस हफ्ते लियो, द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज योर वर्क. जो भी चीज हाथ में लें उसे बखूबी खत्म करें, उसे बखूबी परफॉर्म करें. मैं बताऊंगी खत्म करने पे हमें इतना फोकस नहीं करना है, बट हमें उससे बखूबी परफॉर्म करने में फोकस करना है. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दरवाजे जरूर खोलेंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी. मैं बताऊंगी अगर आप कोई जॉब चेंज देख रहे हैं या कुछ आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, फॉर दैट मैटर कोई न्यू बिजनेस देख रहे हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कीजिए. जितना ज्यादा आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे, आपको किसी के थ्रू, किसी के रेफरेंस से आपका जरूर काम बहुत अच्छे से बन जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लियो कि आप वो हेल्प लेने के लिए भी रेडी हो. यूनिवर्स को बोलें कि बस आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल, अपने रिलेटिव सब जगह ये बात एक ओपनली बोले, ताकि कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस के थ्रू आपका काम जरूर बन जाए. क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंजल मैसेज है आपका लियो. जो भी चीज करनी है ना, बहुत ही सलीके से, बहुत ही क्रिएटिवली करनी है. बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा इस हफ्ते हमें नहीं दिखाना है. जितना हो सके उतना काम अपना तब मन भी, मैं बताऊंगी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी में डालें. जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपके एनर्जीज को एक ठहराव, एक पॉज देती है, वो चीज में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें, ताकि आपकी लाइफ में ना थोड़ी सी अलाइनमेंट आए. अब ऐसे लग रहा है यार 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश करो, एक अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है. वो कैसे आएगी? बाय डूइंग समथिंग क्रिएटिव this particular week, right? So that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Virgo, dekhte hain is hafte universe aapko kya bata rahe. वर्गो बहुत ही अपसेट लग रहा है. आपकी एनर्जीज बहुत डाउन, बहुत ड्रेन लग रही है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है आपके साथ जो आपने सोचा तक नहीं था. अब आपको ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. तो इतना ज्यादा इस पे आपने एनर्जी कंज्यूम कर लिया है कि आपके आगे जो पॉसिबिलिटी है चीजें अच्छी होने के लिए, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. मुझे ऐसे लग रहा है वर्गो, आपको सबसे पहले आगे क्या कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है, आपको जो एनर्जी है ना वो फिगर आउट करने पे लगानी कि अब क्या, ना कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया. तो आपका थोड़ा सा ट्रांजिशन जरूरी है. ऑफकोर्स ये हैवी फीलिंग है, ऑफकोर्स ये काफी आपको एक तरीके का शॉक भी लगा है. बट आई रियली वॉन्ट यू टू हील योर सेल्फ क्विक, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप उस मॉर्निंग में लगा रहे हो, पता है उतना ज्यादा टाइम आपको हीलिंग में लगेगा. सो जितना हो सके दिन में 2-3 घंटे अपनी हीलिंग्स पे काम करना है, और उसको फॉरगिव करने के लिए, फॉरगेट करने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश करना है. क्योंकि आप काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हो वर्गो. मुझे ऐसे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड चीज थी, बहुत हैवी थी, बहुत बर्डनिंग थी, तो अब आप एक इमोशनल जोन में चले गए हो. इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है यार क्या हो गया, क्यों हो गया. थोड़े से इमोशंस को भी काबू में रखना है और अपने विल पावर को जगाना है. एंजल्स आपको मैसेज दे रही है, योर इनर पावर इज एवरीथिंग, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड यू कैन हैंडल एवरीथिंग ब्यूटिफुली. तो मैं आपको ये रिमाइंडर देने आई हूँ वर्गो कि जितना हो सके उतना चीजों को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करें और अपनी शक्ति को टूटने ना दें. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू वर्गो. आई रियली होप यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दिस पर्टिकुलर वीक. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. वी मूव टू लीब्रा. लीब्रा, मैं आप लोगों के लिए
दो टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करती हूँ. लीब्रा देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. लीब्रा आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना आज की डेट पे, इमोशनली फिजिकली फाइनेंशियली जो भी मेंटली आप बोलो आपके पार्टनर है. लीब्रा मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा आपको एक केयर एंड कंसर्न दिखानी चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट और इक्वली एक तरीके का वजूद देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स इज लुकिंग एट यू एंड यूनिवर्स इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मच यू आर गेटिंग एंड हाउ मच यू आर गिविंग, क्योंकि एक वो इक्वल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Sure you're doing, but you need to show that also sometimes to your partner, ताकि वो एक जो बॉन्ड आपका इतना स्ट्रॉन्ग इतना पक्का बॉन्ड है टचवुड. सो आई रियली वॉन्ट यू टू वर्क ऑन इट, आई रियली वॉन्ट यू टू ग्रो. देर आर नो नेगेटिव, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर की स्टार्ट शोइंग योर लव टू योर पार्टनर. उसके बाद ये है कि अब भी ना आपको ऐसे लग रहा है यार मैं जो चाहता हूँ जो काम करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं बन रहा है, तो काफी सारी चीजों में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स अभी भी है. ऐसे लग रहा है हाथ में आते आते भी चीज निकल जाती है, या कहीं ना कहीं थोड़े पैसे के लॉसेस भी हुए हैं पास्ट में जिसको लेके आप अभी भी थोड़े से एडमिट हो. बट मुझे ऐसे लग रहा है भगवान आपको अभी भी आगे रास्ता दिखा रहे हैं, बट यू नो वॉट अनफॉर्चुनेटली आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो और वो रास्ते को कंसिडर नहीं कर रहे हो. सो लीब्रा इट्स इंपॉर्टेंट टू गो अ लिटिल इन टू मेडिटेटिव स्टेट, गो अ लिटिल इन टू स्पिरिचुअलिटी, ताकि आपको जो रास्ता दिख रहा है आप वो एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े. ऐसे लग रहा है एक अटक गए हो, यू नो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू हैव रियली वर्कड अपॉन. डेडिकेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है. सो ट्राई एंड ब्रिंग एंड इन्वाइट दीज एनर्जीज इन टू योर लाइफ by getting a little spiritual, by transforming your energies, by raising your vibrations. आप ये सब कैसे करोगे, एंजल्स आपको बता रहे हैं थोड़ा सा क्वाइट टाइम लीजिए अपने आप से मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, अपने आप से भगवान से बात कीजिए, यूनिवर्स से बात कीजिए. Trust me, they are guiding you. They are showing you the light that you want to look forward to. So all this is very, very important. You need to be accepting these energies. Yeah, Libra. So I really hope this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. स्कॉर्पियो में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो. देखते हैं इस वक्त टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. सबसे पहले स्कॉर्पियो ये जो कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है आपकी एनर्जीज थैंकफुली चेंज हो रही है, आपकी एनर्जीज थैंकफुली ग्रो हो रही है, आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आप जरूर देखोगे ये हफ्ते. मुझे ऐसे लग रहा है एक इतना ज्यादा डीमोटिवेशन आ गया था, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा. अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज देने आया है कि आपकी लाइफ ग्रो हो रही है, आपकी लाइफ मूव हो रही है, आपकी लाइफ बेटर हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो भी पास्ट में एक तरीके के अच्छे कर्म किए हैं उसका आप फल जरूर देखोगे. और मैं ये नहीं बोलूँ कि ये हफ्ते देखोगे, पर ये हफ्ते से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज, कुछ ना कुछ अच्छी साइन आपको ऊपर वाले जरूर दे रहे हैं. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो रिलीज करो यार अपने फियर्स. यू आर होल्डिंग वेरी वेरी टाइट. देर आर सो मेनी फियर्स इनसाइड यू विच रियली नीड्स टू गेट अवे, विच रियली नीड टू गो ऑफ. हाउ? By start visualizing. I mean, Scorpio universe, angels आपको message दे रहे हैं, start visualizing things in a good way. जितना ज्यादा आप visualize करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए better होगी, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए grow होगी. So yeah, this is what we have for you. I really hope Scorpio, this helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, two tarot cards and one angel message. Let's see आपका ये हफ्ता कैसे रहता है. Sagittarius, सबसे पहले तो यार please stop looking in your past every single day. मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका past आपको छोड़ नहीं रहा है, आपको बहुत ज्यादा haunt कर रहा है, इतना ज्यादा आप उसके लिए थोड़े से negative हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसे लग रहा है यार थोड़ा सा perspective change करो, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो. जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को दूसरे कामों में उलझे हुए रखोगे, ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. उसके बाद जो आपको टैरो बता रहा है वो ये है थोड़ा सा बैलेंस लाओ यार. एक सेक्टर में इतने ज्यादा आप घुस जाते हो, इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि दूसरी सारी चीजों की बुक्स एक तरीके से बंद कर देते हो. डू नॉट डू दैट.
गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू एवरी थिंग दिस पर्टिकुलर वीक. थोड़ा सा टाइम सेल्फ ग्रोथ में भी दें, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी खामियां क्या है और आप उसमें कैसे वर्क ऑन कर सकते हो. ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके वेलबींग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए. और किसी को इससे फायदा नहीं होगा, बट आपको जरूर होगा. तो ये हफ्ते थोड़ा सा आप सेल्फ ग्रोथ को ज्यादा ध्यान रखें, बैलेंस करें अपनी चीजों को और परस्पेक्टिव चेंज करें. इतना ज्यादा पास्ट में रहने से कुछ नहीं होगा. उसके बाद जैसे आप ये सब करोगे, एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं, स्टार्ट फॉलोइंग योर ड्रीम्स. जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको फॉलो करो यार, उसको चेस करो. अब टाइम है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, सो व्हाई नॉट. सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू साजी. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू केप्रिकॉर्न. केप्रिकॉर्न दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. केप्रिकॉन देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. केप्रिकॉन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यार इतना कोई चीज, कोई सिचुएशन को लेके डेस्परेट नहीं होना है. आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए हो, आपके अंदर ना बहुत एंजाइटी बिल्ड हो रही है. क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें पकड़ के रखना चाहते हो. कोई भी चीज निकल जाए आपके हाथ से, छूट जाए आपके हाथ से, तो वो चीज आपको घबरा रही है, वो आपको डर दे रही है, वो आपको एंजाइटी दे रही है. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा कंट्रोल लूज करने का टाइम है, थोड़ा सा लेट गो करने का टाइम है. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तभी जाके कुछ न्यू चीजें आएगी. आपने केप्रिकॉन इतना ज्यादा अपने आपको पकड़ रखा हुआ है कि न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स के लिए जगह ही नहीं है. आप वही पुरानी चीजों में उलझे हुए हो. Make space for new things. You know, someone could really help you align yourself. Someone could really help you get new ideas, new thoughts, जो आपके लिए, शायद आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होंगे. So make sure you're open to that. उसके बाद angels आपको ये बोल रहे हैं, parenting and children, try and spend more time with your family this particular week because they need you and you need that. एक तरीके से आपकी healing हो जाएगी और आपके mental well-being के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक तरीके का सुकून आएगा. And you really need this at this point in your life. So yeah, I hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, two tarot cards and one angel message. देखते हैं एक्वेरियस इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. एक्वेरियस जो सबसे पहला कार्ड है, मैं इससे यही बताऊंगी, प्लीज वर्क ऑन योर अग्रेशन, कंट्रोल योर एंगर. आई मीन एक्वेरियस ऐसे लग रहा है भरे हुए हो, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई सामने से आपके अच्छे के लिए भी बोल रहा है, अब सुनने के लिए रेडी नहीं हो. बहुत ज्यादा एरोगेंस है आपकी एनर्जी में. और एक्वेरियस मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंदर में ना फ्रस्ट्रेटेड हो, डर रहे हो, इसीलिए ये एक रॉन्ग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहा है. तो हो सके इस हफ्ते प्लीज आप अपने अग्रेशन पे काम कीजिए. गो टू यूट्यूब एंड चेक आउट मेडिटेशन टू रिलीज योर अग्रेशन, गाइडेड मेडिटेशन. प्लीज हफ्ते में एटलीस्ट दो बार करें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझ रहे हो, हर चीज आपकी बैकफायर करी है आपके गुस्से की वजह से. कोई आके आपसे बात कर रहा है, आप अग्रेशन दिखा रहे हो, आप अननोइंगली नोइंगली आपके गलत वर्ड आ रहे हैं मुंह से, और ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दिला सकता है. स्पेशली मैं बताऊंगी अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा केयरफुल हो, किसी से गलत ना बात करें, या आपकी जॉब तक चले जाए उतनी एनर्जी अग्रेसिव है. क्यों? क्योंकि आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ब्लैंक हो गया है हर चीज में. हाँ ना बहुत वेवर कर रहे हो. थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो जो आपको एंजल्स बोल रहे हैं. जितना ज्यादा आप अपने विजुअलाइजेशन पे काम करोगे, उतनी ज्यादा अलाइनमेंट आपकी एनर्जीज आपके थॉट्स में आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू this particular week. So yeah, I really hope, you know, you work on all these energies and try and calm yourself down, try and calm your anger, aggression a lot down so that it doesn't hurt you, it doesn't backfire you in any way. Yeah, that's about it. Please take care of yourself and yeah, that's about it. Goodbye. We move to Pisces. Pisces, दो tarot card और एक angel message. देखते हैं Pisces इस हफ्ते tarot, angels आपको क्या बताना चाहते हैं. Pisces, थोड़ा सा आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड लग रहे हो. यू नो, आपको कोई भी छोटी चीज हर्ट कर सकती है ये हफ्ते. मैं ये बताऊंगी, इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो यही है कि आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपना ध्यान पूरी तरीके से काम में लगाएं. प्रोफेशनली ग्रो करने का टाइम है, बट आप पर्सनली बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो. आपको रिलेशनशिप्स में एक तरीके का सुकून, एक तरीके की शांति नहीं मिल रही है, बट
understand that one person who brings joy to you, try and spend some time with that person also, because that is also somewhere going to give you that sanity. But ho sake jitna zyada aap professionally pe dhyan do, kyunki ye growth ka period hai, isme is samay aapki professional life mein bahut zyada energy chahiye. Jitni zyada energy aap is hafte lagaoge, uska phal zarur aap dekhoge, and that is going to be so much helpful. Uske baad jo angel message aaya hai, be honest with yourself, try practicing जर्नलिंग दिस पर्टिकुलर वीक सो दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, और आप अपनी सच्चाई को एक तरीके से एक्सेप्ट करें और समझें और आगे बढ़ें. मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता ना अपने पर्सनल लाइफ पे काम करने का है, मतलब फोकस करने का है, और प्रोफेशनल लाइफ पे पूरी जान लगाने का है. सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अलाइन योर सेल्फ सो दैट यू आर इमोशनली ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल. दैट्स अबाउट इट. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय.